पेट्रोल वगैरह नहीं खा रहे हो। बड़ी गंदगी होता है, बड़ा गंदा मौसम, टेम्परेचर डाउन है मगर उमस इतनी ज़्यादा है। एमसीडी भी उसके साथ पैसा खाकर इन्वॉल्व है, इलीगल मकान बना रखा पूरा, बिना नक्शे, बिना कागज, बिना कागजों के बिजली पानी सब फ्रॉड से ले रखा। दिल्ली में 15 मीटर मकान बन सकता है, अभी 2 महीने पहले 17 मीटर का, उसका 21 मीटर है मकान, 21 प्लस। ये भी सारा प्रशासन दिल्ली जैसे शहर में देख लो, सब पैसा खाकर चुके हैं, क्योंकि हर गली में 100 में से 90 बंदे चोर हैं। हर कोई अपना छज्जा 3 फुट बढ़ाता है, हर कोई अपनी आगे से 3 फुट बढ़ाता है, तो दूसरा किसी को कैसे रोकेगा। गाड़ियाँ खड़ी हो ना हो, किराएदार रखो घरों में, दूसरों को दुखी करो। एक एक मकान में 60-70 आदमी रह रहा है, 80-90 गज के में, ना शाम को ढंग से पंखा चलता है, ना लाइट जलती है, पावर का इतना क्यों रहता है, सब सिर्फ पैसा, सब जगह घूस, भ्रष्टाचार इतना ज़बरदस्त है। झूठ बोलते ही केजरीवाल जी जाने के बाद मैं तो खुद झेल रही हूँ, BSCS में भी, दिल्ली जल बोर्ड में भी, MCD में, जो बिल्डिंग बुक है उसको सारी सुविधाएं कैसे मिल रही, ऑनलाइन पे चढ़ी हुई है, ऑनलाइन तो बिल्डिंग इलीगल दिखाई गई जा रही है, और उसको फिर भी बिजली पानी सब मिल रहा है। ओनली सिर्फ इलीगली नहीं है, उसकी हाइट इतनी ज़्यादा है। गलती तो मेरे हस्बैंड की, मेरे हस्बैंड मिले हो अपने भाई से, तो मैं कि तरह ये चाहते ही मैं, मेरा बेटा मर जाए, इनका भाई को मिल जाए सारी पैसा, तो मेरे मना, मैंने सारी ज़िंदगी केस लड़ा, मैं सब कुछ करके एंड में इनको साइलेंट होकर बैठ गई, इसीलिए कि भाई चल सोचेंगे, मुझे क्या पता था अपने भाई से मिल जाएंगे एंड में। उसको सब बनाने दिया नया, तू बना रहा भाई, जब कागज़ नहीं हुए, अलग नहीं हुए हम लोग, हमारे कागज़ नहीं बने अलग, तो वो मकान कैसे बना रहा, उसको बनाने दे रहे हैं, अंदर घुस के उसको प्लास्टर नहीं करने दे रहे, हमारे घर में घुस के वो बैक साइड से प्लास्टर करा, उसका बैक है हमारा फ्रंट है, आ तो मेरे घर में ही रहा है ना, मैं तो ऐतराज़ कर रही हूँ, हमारे घर में से प्लास्टर नहीं करेगा ना, मैं करने दूँगा, मकान तोड़ा ना, कोई शेड लगाया ना, कोई जाल बांधा, हमारे AC के ऊपर पत्थर गिरते रहे, हमारे ऊपर पत्थर गिरते रहे, रात को कुत्ते बिल्ली फंसते रहे, तुम सारे ही जाहिल हैं उस एरिया में, सभी बिना शेड के मकान तोड़ते हैं वहाँ पर। उसने ना नया मकान भी बना लिया तोड़कर, और हम अभी अपने मकान के कब्जे को ही रो रहे हैं, बताओ, ना जज साहब देखने को तैयार है, ना MCD देखने को तैयार है, पता नहीं इससे वो जहरी देर के इंजेक्शन रख लें कोर्ट में, भैया जो है जो इच्छा करता है उसको वहीं ठोक दो, घर जाते जाते जाके सो जाए आराम से, जब सही और सही और गलत का फर्क ही नहीं कुछ। 97 से भी आज मैं 2021 आज सारी मेहनत करके इतनी, इससे ज़्यादा तो शराब भी कबाब भी होता, मेरा पति यादार होता तो मेरे को संतोष हो रहता कि कमी वाला आदमी सब तरह से ठीक होने वाला, अपने भाई का सजा है मतलब, कोई बात नहीं, कानून तो भरोसा है, टाइम ही तो खा जाएगा थोड़ा, तो मेरे बेटे की ज़िंदगी तो बर्बाद हो रही है बस। थोड़ा बादल हो गया, थोड़ा मौसम अच्छा हो, सूरज देवता छुप गया, ये अजमल खा रो पार्क वाला एरिया, आगे अजमल खा पार्क है, इससे हमारे पीछे अजमल खा पार्क जो ज़्यादा से हरियाली दिख रही है, इधर आगे जाएंगे तो करोल बाग मार्केट है, तो सारी दिल्ली से ऐसे लगती है कूड़ेदान से,
जब से सबके हाथ में झाड़ू आया, स्वच्छता अभियान आया, सबसे दिल्ली सड़ गई है। हर तरफ गंदगी गंदगी दिखाई देती है। तो पहले दिल्ली साफ सुथरी थी, स्वच्छता अभियान के बाद तो कूड़े का ढेर नजर आ गया, क्योंकि सब फिर केयरलेस हो गए। जब पैसा लिया जा रहा है, झाड़ू पकड़ा के फ़ोटो खींच गए, तो अब सफाई की ज़रूरत नहीं, सिर्फ झाड़ू वाली फ़ोटो की ज़रूरत है। झाड़ू लगानी नहीं है, फ़ोटो खिंचानी है झाड़ू देखो बस। सब एक दूसरे बहुत गंदगी है सच्ची।